हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने भर्ती के अलग अलग स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। भर्ती के कितने स्रोत होते हैं? दो। कौन से? आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोतों में क्या क्या था? पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण, अस्थाई अलगाव, चार थे। और बाह्य में 10 लिस्ट थी, वो जो बहुत लंबी लिस्ट थी, प्रत्यक्ष भर्ती, प्रतीक्षा सूची, विश्वविद्यालय आदि आदि आदि, बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट थी जो हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे, आपको क्या लगता है, आंतरिक स्रोत बेहतर है कि बाह्य स्रोत बेहतर है? एज अ बिजनेस स्टडी स्टूडेंट, आज तक 11वीं से लेकर आज तक जब हम पढ़ते आए हैं, तो हम समझ गए हैं कि हम हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक में उसके लाभ और उसके दोष ढूंढते हैं। तो चाहे वो आंतरिक स्रोत हो, चाहे वो बाह्य स्रोत हो, हर स्रोत के अपने कुछ फायदे हैं, हर स्रोत की अपनी कुछ कमियां हैं। तो सबसे पहले भर्ती के आंतरिक स्रोतों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? अगर हम संस्था के अंदर से ही कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं तो हमें क्या फायदे होते हैं? जाना पहचाना व्यक्ति जब संस्था में आगे बढ़ाते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जब वो हम संगठन के नियमों के बारे में पहले से ही अवगत है, काम करने के तरीके से पहले ही अवगत है, तो कंपनी को क्या फायदा होता है उसका, कर्मचारी को क्या फायदा होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस पे, हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं होती है। तो रजिस्टर में नए पेज पे आज की डेट डाल के है लिख लीजिए, भर्ती के आंतरिक स्रोत और उसके लाभ। भर्ती के आंतरिक स्रोतों के लाभ, सबसे पहला लाभ, वीडियो को पॉज करके पहले हेडिंग डाल लीजिए और फिर सबसे पहला लाभ कि ये सबसे सस्ती प्रक्रिया है। क्यों है सबसे सस्ती प्रक्रिया? क्योंकि अगर बाह्य सोर्स आप का यूज करते हैं तो उसके लिए आपको लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है, आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, वेबसाइट बनानी पड़ती है, लोग आते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन अगर आप भर्ती के आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत का सबसे पहला फायदा हुआ कि यह एक सस्ती प्रक्रिया है। दूसरा है, जब आप अंदर के लोगों को ही मौका दे रहे हैं, पदोन्नति का भी, प्रमोशन का भी मौका दे रहे हैं, उनको ट्रांसफर का भी मौका दे रहे हैं उनको, तो संगठन में शांति का वातावरण बना रहता है। क्यों बनाता है, बना रहता है शांति का वातावरण? क्योंकि कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं कि भाई हाँ, हमें भी प्रमोशन का मौका दिया जा रहा है। और अगर संगठन में प्रमोशन के चांसेस हैं और बाहर से किसी आदमी को नियुक्त कर लिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा, जो पहले से मौजूद कर्मचारी हैं संगठन में, उन्हें लगेगा कि हमारी तो कोई पूछ ही नहीं हो रही है, हमें तो कुछ देखा ही नहीं जा रहा, हम संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आंतरिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं तो जो कर्मचारी हैं उनमें संतोष की भावना रहती है और संगठन में शांति का वातावरण बना रहता है। नंबर 3, अधिक विश्वसनीय होते हैं। जो अब जब हम संगठन के अंदर से ही कर्मचारियों को लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि संस्था जो है उन कर्मचारियों के बारे में अच्छे से जानती होती है। तो क्योंकि क्यों होते विश्वसनीय? क्योंकि संस्था कर्मचारियों को पहले से ही जानती है। तो 3 पॉइंट्स भर्ती के आंतरिक स्रोत के अभी तक हमने पढ़े हैं। फायदे, सस्ती प्रक्रिया है, दूसरा शांति का वातावरण बना रहता है, तीसरा ये स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं, चौथा ये इस पॉइंट का रिवर्स, सरल अनुस्थापन। सरल अनुस्थापन का मतलब है उस कर्मचारी को संगठन में स्थापित करना आसान होता है। वो व्यक्ति उसी पोस्ट पर प्रोडक्शन मैनेजर था दिल्ली में, और उसी व्यक्ति को मुंबई में प्रोडक्शन मैनेजर बनाकर भेज दिया गया। दिल्ली में वो उस काम को करता था, मुंबई में भी जाकर उसको वही काम करना है, तो उसको वहां पर उसके अधिकार, उसके उत्तरदायित्व समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कर्मचारी संस्था को पहले से ही जानता है। तो 4 पॉइंट्स भर्ती के आंतरिक स्रोतों के, 4 लाभ, सस्ता, शांति का वातावरण, ज्यादा विश्वसनीय और सरल अनुस्थापन। वीडियो को पॉज करके पहले ये 4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में हम 5वें और 6ठे पॉइंट की तरफ चलेंगे। 5वां पॉइंट है, अतिरिक्त कार्य शक्ति का स्थानांतरण। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे किसी एक विभाग में, कहीं एक जगह पर कर्मचारी ज्यादा हैं और कहीं दूसरी जगह कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और ऐसे करने से जो संगठन है उसका बैलेंस बना रहता है, कर्मचारियों का बैलेंस पर मेंटेन रहता है। 6 पॉइंट है, कम प्रशिक्षण की आवश्यकता। कैसे? क्योंकि कर्मचारी पहले भी वही सब काम कर रहा था जो उसको अब करने पड़ रहे हैं, स्पेशली स्थानांतरण के केस में।
तो ये जो पांचवा और छठा पॉइंट है, अतिरिक्त कार्यशक्ति का स्थानांतरण और सरल प्रशिक्षण, ये मुख्य रूप से स्थानांतरण की वजह से होते हैं, ट्रांसफर की वजह से होते हैं। बाकी दोनों चीजों से रिलेटेड हैं, लेकिन इन दोनों को हम मुख्य रूप से स्थानांतरण, जबकि उसके पोस्ट में कोई चेंज नहीं, वहां भी प्रोडक्शन मैनेजर था, यहाँ भी प्रोडक्शन मैनेजर है, या वहां भी सेल्स मैनेजर था, यहाँ भी सेल्स मैनेजर है, यानी कि वहां भी संगठन के मध्य स्तर पर ही काम कर रहा था, यहाँ भी संगठन के मध्य स्तर पर ही काम कर रहा है। तो कार्यशक्ति का वितरण हो गया, प्रशिक्षण आसान हो गया क्योंकि उसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारे भर्ती के आंतरिक स्रोत हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, आंतरिक स्रोतों के फायदे। अब बात करते हैं भर्ती के आंतरिक स्रोतों में कमियां क्या है। हाँ जी, नए पेज पे हेडिंग डालेंगे भर्ती के आंतरिक स्रोतों की कमियां या दोष। ओके, अब जैसे संगठन के अंदर से ही आप पोस्ट भरे जा रहे हैं, क्या संगठन की सारी पोस्ट आप आंतरिक स्रोत से भर सकते हैं? एक को दूसरी जगह ट्रांसफर करा, एक को द्वितीय स्तर से प्रथम स्तर पर पहुंचा दिया, तो जो जगह खाली बच गई उसको फिल करने के लिए नहीं चाहिए होगा क्या? तो इसलिए आंतरिक स्रोत जो है हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब हम आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, वो इसकी कमियों में हम देखते हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं तो हम नई प्रतिभाएं का मतलब होता है नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट, हम उनको अवसर ही नहीं दे रहे, हम उनको कोई मौका ही नहीं दे रहे। बाहर इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे तो सिस्टम की पॉलिसी, जैसे सरकारी दफ्तरों में मोस्टली क्या होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में, एक निश्चित समय अवधि के बाद में उस व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को प्रमोशन दे रहे हैं जो कि जिसको कि पता है कि मेरा तो प्रमोशन होगा ही होगा। एक तो वो मन लगा के काम नहीं कर रहा, दूसरा उसी के लेवल के इतने बढ़िया बढ़िया लोग बाहर बैठे हुए हैं पर हम उनको मौका नहीं दे रहे। क्यों मौका नहीं दे रहे? क्योंकि हमारे सिस्टम की पॉलिसी नहीं है ऐसी, तो नई प्रतिभाओं को कोई अवसर नहीं मिलता। ऐसा करके हम अपने संगठन को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर टू, अकर्मण्य कर्मचारी, अकर्मण्य काम ना करने वाले कर्मचारी। आमतौर पर सरकारी विभागों में ऐसा होता है क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि उन्हें पता होता है कि पदोन्नति जो है वो समयबद्ध है। समयबद्ध का मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो क्या करते हैं, थोड़ा काम किया नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो प्रमोशन है वो काम के आधार पर नहीं है, वो समय के आधार पर है। तीसरा नुकसान या तीसरी कमी यह है कि नई संस्था के लिए अनुपयुक्त है। बताइए आप आंतरिक भर्ती नई संस्था में कैसे करेंगे? नई संस्था को तो सबसे पहली बार बाहर से ही लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा, तो इसलिए नई संस्था के लिए आंतरिक भर्ती हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और चौथा, उत्पादनशीलता में कमी। ये वाला पॉइंट जो है स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है। अगर हम एक व्यक्ति को बार 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 एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहते हैं तो ऐसे में जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वो अच्छे से मन लगाकर काम नहीं कर पाता है। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत में कितनी कमियां? चार। कितने फायदे? छह। क्या क्या कमियां? नई प्रतिभाओं को कोई अवसर नहीं दिया, कर्मचारी अकर्मण्य हो गए, नई संस्था के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, और कर्मचारियों की उत्पादनशीलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कब पड़ता है? जब उनका बार बार स्थानांतरण किया जाता है। इन्हें नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम भर्ती के बाह्य स्रोतों के लाभ और दोषों को पढ़ेंगे।